हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल बियॉन्ड द बुक्स। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आपके सामने। डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर बीइंग लेट मोर देन वन एंड हाफ मंथ। और आज का वीडियोस मैं कुछ नया टॉपिक लेके नहीं आया हूँ, नया कुछ भी नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि शायद मैं कमेंट्स के रिप्लाई दे दे के थक सा गया हूँ। थकना तो कहना नहीं चाहिए, बट हाँ, पर डे कम से कम 4 to 5 कमेंट आते हैं, सिमिलर टाइप के कमेंट आते हैं, सेम टॉपिक से आते हैं कि सर 11th में सब्जेक्ट चेंज करना है, 12th में करना है, स्ट्रीम चेंज करनी है। और आपने देखा होगा कि अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखिए 9 to 12 रजिस्ट्रेशन की, तो उसमें मैंने 30+ वीडियोज डाल दिए हैं। हर एक चीज़ जो पॉसिबिलिटीज हैं सब मैंशन किया। पता नहीं, उसमें 3-4 वीडियो तो आप लोग खूब देख रहे हैं, कुछ वीडियोस आप स्किप कर देना, नहीं देख रहे हैं, तो फिर आपको वो डाउट्स रह जा रहे हैं, तो आप कमेंट कर दें। तो वीडियोस देखने के बाद तो थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उसको देखिए। दूसरी चीज़, वैसे मैं किसी वीडियो में कहना नहीं हूँ, बट सब्सक्राइब का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। मैं मानता हूँ कि आप पहली बार आते हैं, आप में से कई व्यूवर्स पहली बार यहाँ पे हैं, तो सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर लगती है। तो आज मैं बताने क्या वाला हूँ आपको, टुडे आई विल शो यू ऑल द कमेंट्स, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमेंट्स, जो बहुत ही सिमिलर कमेंट्स हैं उनको अभी मैं स्क्रीन पे 1 by 1 दिखाते जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि कितनी सिमिलैरिटी है आपकी प्रॉब्लम में। मे बी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको वो कमेंट और मीन्स सेम प्रॉब्लम आपकी दिखे, और उन सबके जवाब मैं देते जाऊँगा कि किस पे क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। So without wasting your time, let's start the comments. Okay students, so let's start with the comment. वैसे तो मेरे पास more than 300 to 400 comments आए हैं, मैं सभी को स्क्रीन पे दिखा के रिप्लाई नहीं कर सकता, पर जानते क्या है, हर एक कमेंट की कैटेगरी होती है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं। सो यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया है, और यहाँ पे मैं आपको 5 कैटेगरी बताता हूँ, और कुछ कमेंट्स मैं आपको स्क्रीन पे इसके साथ दिखाते जाऊँगा कि कैसे सेम तरह की प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कैटेगरी है वो है व्हेन स्कूल से मिस्टेक हो जाए, व्हेन स्कूल मेड अ मिस्टेक। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, कमेंट है राहुल का, राहुल यादव, मनीष यादव, उर्मिला, इन तीनों का एक सिंगल प्रॉब्लम जानते क्या है, इनके स्कूल ने गलती से मैथ्स की जगह बायो या बायो की जगह मैथ्स कर दिया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन तीनों ने स्कूल में बोला तो स्कूल ने पहले से बोला है कि हाँ हमसे गलती हुई है और हम इसको 12th में चेंज कर देंगे। तो ये बच्चे कंफ्यूज थे कि क्या ये सर रियली में चेंज होगा, जी हाँ हो जाएगा। मैंने कमेंट में रिप्लाई भी यही दिया है कि जब कभी भी स्कूल से एरर होती है और स्कूल एक्सेप्ट करता है तो अच्छी बात है कि स्कूल एक्सेप्ट कर रहा है तो वो 12th में चेंज कर देंगे। जब प्रॉब्लम होती है जब स्कूल एक्सेप्ट नहीं करता, वहाँ पे फिर बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है कि आपका कोई सोल्यूशन मिले। लेकिन यहाँ पे आप लकी हैं कि तीनों के केस में स्कूल ने एक्सेप्ट किया है, तो इजिली आपका स्ट्रीम सब्जेक्ट जो भी मिस्टेक हुई है स्कूल से वो 12th में जब रजिस्ट्रेशन होगा तो चेंज कर देंगे, बट आप थोड़े से अवेयर रहिएगा। दूसरी स्लाइड पे आप ध्यान से देखिए जो कमेंट्स हैं वो हैं उमेश के, नवीन धामी एंड वेदांत दुबे। इन तीनों की एक ही प्रॉब्लम क्या है कि ये शायद एक ने 11th में कंप्यूटर लिया है सब्जेक्ट, एक ने बायो लिया है और एक PCM प्लस कंप्यूटर साइंस से है, लेकिन इनको लगता है कि शायद ये सब्जेक्ट्स ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो उमेश चाहते हैं 12th में फिजिकल एजुकेशन लेना, वेदांत भी चाहते हैं 12th में फिजिकल एजुकेशन लेना, और नवीन चाहते हैं कंप्यूटर साइंस लेना। तो ये सब कहीं ना कहीं एडिशनल सब्जेक्ट को चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये ईजी है, 12th में चेंज हो जाता है, एक लेटर लिखी अप्लीकेशन, CBSE को स्कूल पे बात कीजिए, इजिली 12th में चेंज हो जाता है। तो कभी भी, ये दूसरी कैटेगरी है जब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट या एडिशनल सब्जेक्ट चेंज करना है, तो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, और इसमें मैंने कम से कम 200 कमेंट्स के रिप्लाई दिए हैं। तो आज के बाद जिस भी इस कैटेगरी को देखिएगा तो समझ जाइएगा कि ये हो जाएगा, इसके लिए आपको कमेंट करने की नीड नहीं है बल्कि स्कूल पे बात करने की जरूरत है। ओके, क्योंकि कमेंट में मैं सेम रिप्लाई आपको देने वाला हूँ जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं, जो नेक्स्ट आता है जो आती है कि बच्चा स्कूल अपना स्ट्रीम तो चेंज करना चाहता है बट किसी अदर स्कूल से। इसमें दो वेरिएशन आते हैं, जैसे अवनी का प्रॉब्लम है कि ये स्ट्रीम चेंज करना चाहती है फ्रॉम अनदर स्कूल, और एक बच्चे का प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वो कॉमर्स चाहता है, नाम है इसका, हाँ श्लोक नाम है, 11th में PCM है इसका, और वो चेंज करना चाहता है
कॉमर्स में, लेकिन किसी उसके स्कूल में कॉमर्स साइंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए जो पहला अवनी का केस है वो ये कहता है कि अगर आप अदर स्कूल से चेंज करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि उस स्कूल में क्या अवेलेबिलिटी है, प्लस उस स्कूल के मैनेजमेंट से बात कीजिए कि क्या वो इस तरह के एडमिशन अलाउ करते हैं। एडमिशन अलाउ करने के बाद देयर आर सम सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, उसके मैंने एक वीडियो बना के रखे कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी जब आप स्कूल चेंज करते हैं। उसमें 8 काइंड ऑफ रीजन है, अगर उस 8 काइंड में से कोई भी रीजन आपके लिए वैलिड होता है तो वो स्कूल आपको एक्सेप्ट करेगा और फिर उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। तो उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा कि वो 8 कंडीशन क्या है। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस स्कूल को आप चूज कर रहे हैं वहां पे बात कीजिए, बी श्योर कि दे आर रेडी फॉर दैट, देन यू कैन गो थ्रू दैट, फिर पॉसिबिलिटीज तो हमेशा होती हैं। और जो बोल रहे हैं कि श्लोक कह रहे थे कि इनके यहाँ है ही नहीं, तो बेटा जब है ही नहीं तो फिर वही पॉसिबिलिटी जो अवनी वाले हैं आपके पास भी बची कि आप कोई ऐसा स्कूल चूज कीजिए जहां पे ऐसा कुछ है, और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा जो भी स्कूल बोलेगा, क्योंकि ये क्रिटिकल सिचुएशन है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप ध्यान से देखें तो संदीप सिन्हा है, शी वॉन्ट्स टू चेंज स्ट्रीम मैथ्स टू बायो बिकॉज इनको डॉक्टर बनना है। कई बार ऐसे बच्चों को होता है कि उनको MBBS करना है और वो 11th में साइंस ले लेते हैं, तो जी चेंज हो जाएगा, आपको टाइम पे अवेयरनेस है तो चेंज हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रीम 12th में चेंज होती है अभी। ओके अगर मैं बात कहूँ तो बाकी आपने देखा कि उर्मिला, मनीष और राहुल के, तो 4 कंडीशंस आपने देखी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला, गलती स्कूल से हुई है तो चेंज हो जाएगा। दूसरा, एडिशनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो हो जाएगा। आपको स्ट्रीम चेंज करनी है तो भी हो जाएगा, किसी अदर स्कूल से चेंज करनी है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है। तो बेसिकली इसी 4 कैटेगरीज में मैंने पिछले कुछ 1.5 सालों में मोर देन 400 कमेंट्स के रिप्लाई किए, और ये 4 कैटेगरी में ही है। आप इसी 4 कैटेगरी में ही आते हैं, आपके कमेंट्स इससे ज़्यादा बाहर के नहीं होंगे, बस आपका सब्जेक्ट चेंज होगा। तो बस आप इसी वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, आराम से करते हैं, इन चीज़ों के लिए घबराना नहीं है। Every possibilities has been given. So for today that's enough. अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन लगी हो, हेल्पफुल रहा हो, सो कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।